हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है टीएम से रिलेटेड, ठीक है। ये जनरल कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, टीएम किस राज्य सरकार की एक पहल है जिसे सरकार ने G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। टीएम क्या है, ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है, ये किस राज्य की पहल है जिसे सरकार ने अभी G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, हमने टी एम के बारे में, यहाँ पे टी का मतलब है तेलंगाना, यानी तेलंगाना सरकार की ये पहल है और इसकी फुल फॉर्म है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, AIM मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। ये सन 2000 में तेलंगाना स्टेट ने स्टार्ट किया था, तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, पावर्ड बाय नास्कोम, नास्कोम के साथ इसको किया है स्टार्ट तेलंगाना गवर्नमेंट ने, विद ए विजन टू पोजिशन तेलंगाना एज ए ग्लोबल हब फॉर AI। आपको पता ही होगा तेलंगाना, जैसे हैदराबाद यहाँ पर जो है आईटी का टेक्नोलॉजी काफी बूम कर रहा है, और आईआईटी हैदराबाद में जो है आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक कार, इनका रिसर्च चल रहा है। तो तेलंगाना सरकार इस पे इनिशिएटिव ले रही है, ईयर 2000 फॉर AI इन्होंने इनिशिएट किया था, और यहाँ पे नासकोम के हेल्प से कर रही है। नासकोम इसमें यूज वो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पावर कर रहे हैं इसको। इसमें जैसे लिखा है कि नासकॉम का मतलब क्या होता है, नासकॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। जो भारत के अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर या सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, वो जो है नासकॉम के अंडर काम करती है गवर्नमेंट में। तो वैसे अलग भी कर सकती है, ये एक नॉन प्रॉफिट इंडियन कंजोर्टियम है जो प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, जो BPO। तो आईटी और बीपीओ को, यानी आईटी और बीपीओ की सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो कंजोर्टियम है इंडिया में, उसका नाम है नासकॉम। और नासकॉम जो है इसको भी, टीएम को भी पावर कर रही है। टीएम की फुल फॉर्म तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, जो जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस हैं और जनरल कंप्यूटर्स के भी हैं, कंप्यूटर की जनरल नॉलेज के, तो वो आपको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।